अनुपमा, वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट शो और एस्ट्रोलॉजी पे। वो कहते हैं ना कि जो तबियत से उड़ान भरते हैं वही आसमान को छूते हैं, तो इसीलिए आज हम तबियत की बात करें, आई मीन ऑरा और हेल्थ की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि दोस्तों, आप सभी जानते हो कि दुनिया में कितनी भी फेवरेट जगह पर बैठे हो, कितनी भी फेवरेट चीज़ खा रहे हो, कितनी भी फेवरेट शख्स के साथ वक्त बिता रहे हो, पर अगर छोटा सा सरदर्द भी हो ना तो मन नहीं लगता। और कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी हम आजकल अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से निपटारा नहीं पा रहे, तो क्या करें, क्या करें? ये प्रोग्राम देखिए और देखिए कैसे आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलता है। हमारे बीच मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे पहले और एस्ट्रोलॉजर, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं, हीलिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, देखा कितना कुछ करते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं और गुरु सुशील श्री जी का। गुरु जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि गुरु जी ने एक ऐसी विधा का आविष्कार किया है जहां पे ऑरा और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर एक नई विधा बनाई गई है, जिसकी मदद से आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हद तक बढ़ाई जाती है कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और बीमारी ही क्यों, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, यू नेम इट, उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। तो आपको बस इतना करना है कि हमें कॉल करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए, और कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो गुरु जी, आज ऑरा और हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह ऑरा हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है? ऑरा से हम अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से टिप्स अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर से नहाना। सॉल्ट वाटर क्या है, नेगेटिविटी को सक कर लेता है और हेल्थ वाइज हमें अच्छा करना लग जाता है। हाँ, नमक का प्रयोग वहाँ नहीं करवाते, किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पहले बोल देते हैं अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो नमक का प्रयोग ना करें। वहाँ पर हम विशेष रूप से औषधि स्नान का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम स्किन की भी है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाए। औषधि जो है स्नान, वो हम खुद बनाते हैं या नहीं? वो हम लोग, हमारी संस्था तैयार करती है, वही प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि पूरा महीना भर किसी की हेल्थ के अकॉर्डिंग देते हैं हम लोग। कोई बीमारी है लंबे समय की है तो उसमें 3 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। अगर छोटी मोटी बीमारी है और वो, तो उसमें महीने भर भी नहाएंगे तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि दवाएं लेते रहते हैं, दवाओं के बाद भी हेल्थ में कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती। यहाँ पर क्या होता है, जब आप हेल्थ से रिलेटेड जो हमारा औषधि स्नान है, जब उससे स्नान करते हैं तो चक्रों पे और ऑरा पे दोनों की हीलिंग बराबर होने लगती है, दोनों मेंटेन होने लगते हैं। यहाँ पर क्या है कि कई बार हमारे चक्रों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, नेगेटिविटी के कारण भी कह सकते हैं, रोग के कारण भी कह सकते हैं। अगर पेट से रिलेटेड बीमारी हो गई है तो समझ लीजिएगा कि सोलार चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा, जो सेक्रल चक्रा भी है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा डिप्रेशन टाइप के लोग होते हैं, उनको डिप्रेशन ही बना रहता है। तो ऐसे लोगों का जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है और थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। और ऐसे लोग दवाई खाते रहते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। और ज़्यादातर आप देखेंगे डिप्रेशन वालों को नींद की दवाएं दी जाती हैं ताकि वो जितना भी सोएंगे उतना रिजल्ट आएगा। आज मैं आपको, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दवाएं तो सिर्फ शरीर पर 20% काम करती हैं, 80% तो शरीर खुद अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक करता है। ऐसे में आपको परहेज भी बोले जाते हैं, चाहे आप कोई भी दवा लें कि आप नमक ना खाएं, ये ना खाएं, ऐसा फास्ट कर लें, कम खाएं, फ्रूट्स लें, जूस लें या पानी ज़्यादा लें। अगर आप बीमारी के साथ, अगर बीमार हैं, दवा ले भी रहे हैं तो वैसे भी अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस कर लें, सावधानियां कर लें और एहतियात कर लें, अपने खान पान, अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल कर लें तो आपको रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑरा को अगर आप मेंटेन करते हैं, चक्रों को मेंटेन करते हैं, तो रोग जो आपके शरीर में है वो वैसे ही निकल जाएगा। जैसे बुखार है तो बुखार में भी हम लोग कहते हैं जो तरीका हम बताएं उसमें दिन में 3 बार उसको अप्लाई कर दीजिए ऑरा क्लीनिंग का, ऑरा क्लीनिंग के साथ ऑरा हीलिंग ले लीजिए, ऑरा हीलिंग लेंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दवाएं तो बीमारी को दबा देती हैं, हाँ। तो क्या ऑरा बीमारी को कम करता है या जड़ से खत्म करता है? जैसे कि आप देखिएगा, 2 प्रकार की दवाएं काम करती हैं, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है, धीरे काम करता है, लंबे समय तक दवाई खानी होती है मगर वो उसके रूट तक जाती है और रूट उसको खत्म करता है।
और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाती है। मगर एलोपैथी की दवाई लेंगे तो क्या होगा जी, हम रूट तक जाएंगे, एलोपैथी की भी बात करेंगे, पर एक फोनो कॉल हमें आया है कॉलर का, अगर आप इजाजत दें। जी हाँ जी, हेलो। हेलो, हाय, वेलकम टू ऑरा एस्ट्रोलॉजी, अपना नाम बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम निशा है। हाय निशा, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ? मैं एकदम बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं आदर्श नगर से। तो अपना बर्थ टाइम और हमें डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 6 अगस्त 6 अगस्त 1991। और बर्थ टाइम बताइए। हाँ जी, सुबह के 4:50। तो बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं सीए कर रही हूँ, तो 5 साल हो गए सीए कंप्लीट नहीं हो पा रही, और हर कोई बोलता है कि ना ये कि भी आपका अभी टाइम अच्छा चल रहा है, सीए कंप्लीट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? अच्छा, बाकी लोगों ने आपका अच्छा टाइम प्रेडिक्ट किया है, फिर भी पे आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं हो रहा? हाँ जी। निशा जी, ऐसा है कि आपकी जो ऑरा एनर्जी है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आपका जो इनर ऑरा है वो ब्राउन कलर का है, और अच्छा। साथ ही साथ आपका आउटर ऑरा है वो ऑरेंज कलर का है, और अल्फा ऑरा भी रेड कलर का है। तीनों कलर में जो सबसे खराब कलर है वो आपका इनर ऑरा, जिसके कारण आपको ब्लॉकेज आ रही है, ऐसी परेशानी आ रही है, वो है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर के कारण आपकी लाइफ में हर्डल भी रहेंगे। आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे जॉब करना चाहते हैं सीए में कंप्लीट करके। हाँ देखिए, एनर्जी ऐसी है, यहाँ पर आपको एक मैं छोटा सा सोल्यूशन एक तो मैं पहले देना चाहता हूँ। वो सोल्यूशन क्या है, आप मेडिटेशन या ध्यान वगैरह कुछ करती हैं? हाँ जी, हाँ जी करती हैं। कितनी देर? जितनी देर भी हो जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा। ध्यान किस समय करती हैं, सुबह दोपहर शाम रात? हाँ, वो कोई टाइम नहीं है, जब नहीं। एक जैसे पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो जाते हैं तो नहीं, एक निश्चित टाइम बनाइए रात को सोते समय में, चाहे 15 मिनट का ध्यान लगाएं मगर रात को करें, ठीक है? कि जो आपको चाहिए वो बोलना है उस टाइम, क्योंकि ब्राउन एनर्जी का जो साइड इफेक्ट है आपके ऑरा को डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, साथ में आपके नीचे के 3 चक्रों पे इफेक्ट डाल रहा है, आपका सोलार चक्र, सेक्रल चक्र एंड रूट चक्र, तीनों चक्र डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको कलर कौन से ज्यादा पसंद है? ब्लैक और लाइट क्रीम। देखिए, जो कलर मैं बता रहा हूँ उन कलर को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें, पिंक कलर, ठीक है, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ग्रे एंड वायलेट कलर ये बिल्कुल छोड़ दीजिएगा अगर यूज कर रहे हैं तो, ठीक है? और साथ में एक पिल्लो कवर ले लीजिएगा पिंक कलर का। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपके उस एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ, आपके माइंड की पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, पिंक कलर का पिलो कवर लेके उस पे ही सिर रख के सोना है, रेड कलर की चद्दर नहीं होनी चाहिए कभी भी आपकी बेडशीट के रूप में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। पिंक कलर का जो यूज करेंगे वो आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, और जो आप चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अपने बेडरूम में एक पिंक कलर का बल्ब भी लगा लीजिए, 0 वाट का बल्ब आता है पिंक कलर में, मिल जाएगा, तो उस बल्ब को कम से कम 30 मिनट के लिए जलाना है, 15 मिनट तो उस बल्ब की रोशनी में बैठना है डेली आपको, या जब आप ध्यान लगाते हैं तो उस टाइम बल्ब को जला दीजिएगा, बाकी सारे रोशनी बंद कर देनी है आपको। 15 मिनट के बाद आप फिर बेशक सोना चाहे सो जाएं, या उस रूम से बाहर आना चाहे बाहर आ जाएं, अन्यथा आप आधे घंटे के लिए भी बैठ सकते हैं ध्यान में, उसी रोशनी में बैठना, मगर जैसे जैसे वो ध्यान में जाएंगी वो रोशनी आपके ऑरा को स्ट्रांग करेगी, चक्रों को स्ट्रांग करेगी, आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रांग करेगी, और जो चाह रहे हो ना, बार बार आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस और ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है वो सारा कुछ हटना शुरू हो जाएगा। साथ में इतना जरूर कहूँगा आपको, विशेष रूप से शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी लाल चंदन आता है पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में, तो एक चुटकी वो पाउडर डालना है नहाने के पानी में, और उसके बाद उस पानी से स्नान करना है, तो ये आप करें और फिर आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, फिर आप हमें बताइएगा। ठीक है निशा, आपने सारे टिप्स नोट कर लिए? हाँ जी, ऑल द बेस्ट। सो दर्शकों, आपको बता दें कि गुरुजी ने जिस विधा का आविष्कार किया है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है, वहां पे ऑरा और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके एक नई विधा बनाई गई है, जिसके तहत आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इतना बढ़ा दिया जाता है कि मान लीजिए आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है
तो उसको खत्म किया जा सकता है. आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, यू नेम इट एंड ही कैन सॉल्व इट. और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको हमें कॉल करना है और आप कॉल करके गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं. गुरुजी, एक जो प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ही आम होती जा रही है, संतान सुख. तो क्या ऑरा से संतान सुख भी पाया जा सकता है? हाँ, ऑरा के एनर्जी को बैलेंस करके संतान सुख की प्राप्ति भी होती है. और ऐसा हमारे पास केस भी हैं जिनमें कि उन लोगों को रिजल्ट मिला है. बट उसमें क्या है कि ऑरा के खराबी के कारण चक्रों पर भी विशेष असर आ जाता है, जिसके कारण संतान की कमी हो जाती है, संतान नहीं हो पाती. और लोग हजारों जगह जाते हैं, उपाय कराते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाता. यहाँ पे क्या कि कुछ प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, कुछ सिस्टम दिए जाते हैं, कुछ कलर हटवाए जाते हैं और हस्बैंड वाइफ के ऑरा को मैच भी किया जाता है. तो दोनों इस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नॉर्मली या तो सिर्फ हस्बैंड का इलाज होता है या तो सिर्फ वाइफ नहीं, हम तो ऑरा लेवल पे तो दोनों को ही लेके चलते हैं. दोनों की एनर्जी को देखते हैं कि किस ऑरा के कलर के कारण. कई बार अपोजिट कलर भी होते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो वो कलर भी क्या है कई बार साइड इफेक्ट दे रहा होता है. तो उन कलर्स को बैलेंस करने के लिए फिर उनको कलर चेंज करवा दिए जाते हैं, उनके सिस्टम को चेंज करा दिया जाता है, उनके खान पान में भी चेंजिंग करवाई जाती है, तो उनको रिजल्ट आ जाते हैं. ये ऑरा हीलिंग के बारे में हम और बात करेंगे गुरु जी. बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, एक और फोन कॉल है, अगर आप इजाजत दे तो हम ले. हेलो. हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? वेलकम टू ऑरा एस्ट्रोलॉजी. मैम नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है. मीनाक्षी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम जहांगीरपुरी, दिल्ली से. आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग हमें बताइए. 9 जनवरी 1988. ओके, 9 जनवरी 1988. और बर्थ टाइम क्या है आपका? रात को 11:30 बजे. रात को 11:30 बजे. तो क्या प्रॉब्लम है आपको मीनाक्षी, किस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो? मैम एक्चुअली मेरी शादी को ना 1 साल हो गया 8 फरवरी को, लेकिन ना मतलब ऐसा है कि मेरे पति की और मेरी कुछ खास पड़ती नहीं है. वो मुझे राजी राजी तो यहाँ छोड़ जाते हैं मायके में, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं और फिर लेने भी नहीं आते हैं, कॉल भी नहीं करते हैं. अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी या फिर कैसा रहेगा आगे. तो मेरा किसी तरीके का खर्चा वगैरह भी नहीं उठाते हैं. कोई ना मीनाक्षी, सब अच्छा होगा. ये देखते हैं कि गुरुजी क्या प्रेडिक्ट करते हैं. मीनाक्षी, ऐसा है कि जो मैं आपके ऑरा को देख पा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका जो इनर ऑरा है वो डिस्टर्ब है. इनर ऑरा वायलेट कलर का है, आउटर ऑरा ब्लू कलर का है, और अल्फा ऑरा ब्राउन कलर का है. और जब ये दो ऑरा एक साथ, आपका इनर और अल्फा दोनों ही डिस्टर्ब हैं, दोनों ही खराब हैं. ब्लू फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा होता है, बट दो जब ऑरा एक साथ तीन में से खराब होते हैं तो वो एनर्जी काफी डाउन हो जाती है, भौतिक सुखों की कमी होने लगती है. अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल देखूं तो उसके अंदर भी आपके शुक्र की एनर्जी काफी खराब चल रही है. पत्री में शुक्र देख लीजिएगा, पता करवा लीजिएगा, किसी भी विद्वान को दिखाकर अपनी पत्री जान सकते हैं आप कि उसमें शुक्र खराब है. साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी बना हुआ है, यानी कि चंद्र भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपको ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी झेलना पड़ रहा है. तो सबसे पहले आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, तो पूजा करें. वहां पर कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है, जाके दूध की थैली लेके जानी है वहां पर. पहले ऐसा नहीं कि पूरी चढ़ानी है, पहले जल चढ़ाइए, थोड़ा सा उसका सुराख करके 4-6 बूंदे चढ़ानी है. सारी थैली नहीं चढ़ानी, सारी थैली बाकी ऐसे ही रख देनी है, फिर जल चढ़ा देना है. वहां बैठकर आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है. एक काम और करना है आपको, संध्या के समय में 8 बजे के बाद कपूर का टुकड़ा लेना है, एक छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, एक कपूर लेकर पूरे बेडरूम में घुमाना है. ठीक है, जब भी आप जाएंगे एक काम करिएगा. ठीक है, मैं अभी मायके में हूँ तो यहाँ कर सकती हूँ अपने घर में? हाँ जी, हाँ जी, आप अपने घर में ही कर लीजिए, जिस बेडरूम में सोती है उस बेडरूम में, मगर नाउ फीलिंग के साथ कि आपके हस्बैंड बहुत खुश हो रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ. और आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, आपकी ऑरा की एनर्जी बेस्ट होती चली जाएगी. ठीक है, और अट्रैक्शन पावर हस्बैंड वाइफ का बढ़ना शुरू हो जाएगा. रेड से रिलेटेड कोई भी कलर यूज नहीं करना. और कौन सा कलर ज्यादा यूज कर रही है? ग्रीन यूज कर रही हूँ सर, और ये जैसे क्रीम कलर वगैरह ग्रीन ज्यादा यूज कर रही हूँ मैं. ग्रीन को थोड़ा सा कम कर दो, वो दिमागी स्ट्रेस बढ़ा रहा है आपका. ठीक है, येलो पिंक ले सकती हो, बेबी पिंक. हाँ, बेबी पिंक. हाँ, पिंक. व्हाइट ले लीजिएगा.
हाँ जी। और क्रीम कलर, हल्के कलर आजकल आप यूज करें। हाँ जी। ठीक है। और साथ में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने पास एक रुमाल रखें, रेशमी रेशमी रुमाल हो, उसके कॉर्नर पर कपूर के 4-5 टुकड़ियां बांधकर उसे तय लगाकर अपने पास रखें, अपने हाथ में रखें, अपने पर्स में रखें। जब भी मुंह साफ करना हो, रुमाल का जरूरत हो, उसी रुमाल का इस्तेमाल करना है। उस रुमाल को कम से कम 3 दिन रेगुलर 2 से 3 दिन यूज करें, फिर उसके बाद रुमाल बदल लें और कपूर निकालकर दूसरे रुमाल में, एक बार में 2 रुमाल बनवाने हैं रेशमी, और व्हाइट होना चाहिए और कोई उसमें और कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। इससे क्या है, आपके ऑरा को बल मिलना शुरू हो जाएगा और जो ऑरा लेवल पे जो नेगेटिव असर है वो कटना शुरू हो जाएगा और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये आप करिए और फिर हमें बताइए कि कितना फर्क मिला। उसके बाद अगर कोई सहायता होगी तो वो आपकी सहायता हमारे संस्थान द्वारा दे दी जाएगी आपको। नोट कर लिया आपने सारे टिप्स? हाँ जी मैम। बस आप ये टिप्स करिए, फिर देखिए आपके हस्बैंड कैसे हीरो की तरह दौड़ते हुए आते हैं आपके पास। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ऑल दी बेस्ट मीनाक्षी। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। तो दोस्तों, मीनाक्षी की तरह आप भी फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे हमें कॉल करना है। और यही नहीं, आप गुरुजी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप फोनो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप ऑरा प्लस फाइल भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब के लिए बस आपको इतना करना है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल करना है। तो गुरुजी, क्या ऑरा हीलिंग से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, गंभीर रोगों का भी इलाज हो सकता है? हाँ जी, ऑरा हीलिंग से गंभीर रोगों का भी इलाज हो जाएगा, परंतु क्या उसमें समय ज़्यादा लगता है? क्योंकि किसी की बीमारी 2 साल से चली आ रही है, किसी की 4 साल से, किसी की 5 साल से, तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। मतलब धीरे होगा पर सटीक और सटीक होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑरा हीलिंग है वो होम्योपैथी की तरह काम करती है, ना कि एलोपैथिक की तरह, रूट को खत्म करती है और रिजल्ट आपको देती है। तो गुरु जी, अब बारी है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, जो कि आपको पता है क्या है, टिप ऑफ द डे। तो क्या है टिप ऑफ? आज मैं आपको धन के लिए बताता हूँ। yes, पैसा पैसा, अगर घर में धन की रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, उस रुकावट को तोड़ने के लिए उस हर दिशा का एक मालिक होता है। तो दिशा का, नॉर्थ दिशा का मालिक है कुबेर। तो यहाँ पर आपको रोज एक काम करना है, शाम के समय में एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और दिशा होनी चाहिए उस दिशा, दीपक का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आप कर दीजिएगा और देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो टूटनी शुरू हो जाएंगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु जी, आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं उसका असर हम देख सकते हैं। जी। फिलहाल आज के लिए, आपके टिप्स के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि ऑरा हीलिंग आपके हेल्थ पे कितना बड़ा असर डाल सकता है। मतलब आप एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ शरीर से आएगा स्वस्थ मन और स्वस्थ मन से आएगा स्वस्थ जीवन। तो ऐसे किसी भी टिप के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको देखते रहना है ऑरा एस्ट्रोलॉजी। और साथ ही आपको बता दें, अगर आज आपका फ़ोन मिस हो गया या आप गुरु जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको गुरु जी से पर्सनली मिलना है तो उसके लिए भी आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको घर बैठे आपका ऑरा हीलिंग या ऑरा प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप ऑरा प्लस फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। और इन सभी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ऑरा प्लस फाइल में आपको मिलते हैं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के उपाय, साथ ही इस समय चल रही समस्याओं के उपाय, चक्रों और ग्रहों की जानकारी, 5 सालों की, 60 महीनों की और 1 साल की प्रतिदिन की प्रेडिक्शन, साथ ही राजयोग और कष्ट योग की संपूर्ण जानकारी। इतना ही नहीं, ऑरा प्लस फाइल के साथ आपको मिलता है अपने ऑरा कलर के अनुसार क्वार्ट्ज लॉकेट बिल्कुल फ्री। इस यूनिक ऑरा प्लस फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको भेजना है सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए, हमारे नंबर हैं 0114562222, 0981751745। हमारी ईमेल आईडी है aurayog@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.auraastrology.com। तो
गाइज आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ कि कैसे हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज में ऑरा एनर्जी अलग अलग तरीके से असर डालती है, उसे और खुशनुमा बनाती है। ये जानने के लिए हमें मिलिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल केयर वर्ल्ड।